उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के माछिल के टेकरीनार इलाके में नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को किया गया ढेर। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी के बाद जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देने और साथ ही साथ जो है उन्हें रखने के लिए एक आवासीय घर को किया क्रूक। श्रीनगर में शहरे खास खेल बिरादरी का राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन का आयोजन। आयोजन का उद्देश्य डाउनटाउन श्रीनगर से स्पोर्ट्स मैराथन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। गुलाम नबी आजाद का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, आज से नवरात्र में कर सकते हैं नई पार्टी की घोषणा। हिजबुल से मिलकर जम्मू कश्मीर को अलग मुल्क बनाना चाहता था पूर्व मंत्री बाबू सिंह, एसआईए का आरोप। विजयपुर में ओबीसी समाज की तरफ से अलग अलग नेतृत्वों में की गई प्रेस वार्ता, बताया 75 वर्षों से जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज पिछड़ा हुआ, अब अमित शाह की दौरे से है कई कई उम्मीदें। चौकीदार चार्ली दर्श रिपोर्ट बनिहाल में संदेश प्राप्त करने के बाद एक पागल कुत्ते ने 3 लोगों को जो है काटा, इसके बाद लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। बीजेपी के अयोध्या गुप्ता द्वारा मन की बात कार्यक्रम पर किया गया आयोजन, इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी दी गई श्रद्धांजलि। सैनिटाइजेशन वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया आज प्रदर्शन, मांग की मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर शब्बीर अहमद मंगरियाल द्वारा उत्तरी कश्मीर के बारामूला में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह के 2 अक्टूबर को बारामूला के निर्धारित दौरे से पहले भाजपा इकाई बांदीपुरा ने आज सुंबल कस्बे में जिला निकाय की गई बैठक, आगामी यात्रा को सफल बनाने के संबंध में तैयारियां शुरू करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में विकास की सौगात भी देंगे गृह मंत्री, जम्मू में सबसे बड़े फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। पुलवामा में बिहार के 2 श्रमिकों को दहशतगर्दों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामबन मेहाड़ एफ कैफेटेरिया मोड पर भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे 10 घंटे रहा बंद। जम्मू के मेयर डिप्टी मेयर ने शनिवार को इस्तीफे की घोषणा, सोमवार को सौंपेंगे त्याग पत्र। जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी के महाजन हॉल में लगाया गया जॉइंट रिप्लेसमेंट का कैंप, इस मौके पर लोगों ने लिया इसका लाभ। लद्दाख में दुश्मन के सामने खड़ी भारतीय सेना, सुपरहिट जवान से लेकर कमांडर तक सब फिट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, देश में बहुत जल्द शुरू होगी 5G सेवाएं। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया इन बातों पर जोर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। देश में फिर घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए 4773 नए मामले, एक्टिव मरीज भी हुए कम। राहुल गांधी ने तेल गैस की कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुए इतनी महंगाई।